सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। और ये क्वेश्चन सभी कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जीके होती है वो हर एक कोर्स में पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो अभी जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगी मैं बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार का मात्रक क्या है, न्यूटन है, जूल है, किलोग्राम है, वाट है। तो ये है फ्रेंड्स क्या, जूल, ठीक है। न्यूटन किसका है, बल का है। क्वेश्चन नंबर दो, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में या फिर 1783 ईस्वी में। तो ये पास हुआ था फ्रेंड्स 1773 ईस्वी में, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो 1773 ईस्वी में, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप में से काफ़ी लोग ने कहा था कि प्लीज़ आप इंग्लिश में बनाइए, तो मैं ट्राई करता हूँ इंग्लिश में बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी में टाइप करना फिर इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, राजा जयसिंह को, शाइस्ता खान को, रामदास को। इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज होंगे अगर वो हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो काफ़ी लोग इसमें शाइस्ता खान और राजा जयसिंह में कन्फ्यूज हो जाएंगे, बट जो आंसर है वो राजा जयसिंह है। ये तो हराने के लिए भेजा था। अभी आगे एक क्वेश्चन और मैं दिखाने वाला हूँ, फटाफट से देखना। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था, अब बताओ, राजा जयसिंह, शाइस्ता खान, रामदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं आपके कौन फ्रेंड्स, शाइस्ता खान, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स हिस्ट्री स्पेशल है, आज मैं हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन इसमें लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप सभी के सभी क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, मतलब पूछे जाते ही हैं इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी, विजयनगर, वाराणसी या फिर रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी फ्रेंड्स रायगढ़, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया, कोलकाता, मुंबई, पश्चिम बंगाल, सूरत। तो ये स्थापित किया था फ्रेंड्स सूरत में। इस समय मुगल काल का शासक कौन था, तो वो था अकबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, मुमताज महल। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने काफी बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, सुना होगा। तो ये फ्रेंड्स शाहजहां, ठीक है, किसके लिए बनाया था, तो इनके लिए। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में, आगरा में, दिल्ली में, वाराणसी में। तो ये स्थित है फ्रेंड्स औरंगाबाद में, इसको ही सेकंड ताजमहल भी कहा जाता है। अच्छा, प्रीवियस ताजमहल किसे कहा जाता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना फटाफट से कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी, उर्दू थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। तो ये थी फ्रेंड्स फारसी, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ये लिखा था फ्रेंड्स अकबर के शासनकाल में। तो तुलसी का जो रामचरितमानस है वो अकबर के शासनकाल में कंप्लीट हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर, बाबर, शाहजहां या फिर अकबर। तो ये कौन था फ्रेंड्स, ये था अकबर, अभी मैंने इसके पहले ही बता दिया था आपको। किस सन में, तो 1600 में, ठीक है, 1600 ईस्वी में अकबर था। इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए इम्प्रूव एसटीडी मैथ 2, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके पहले मैंने 3 से 4 पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ वो भी डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो आप वीडियो को देख सकते हो। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल, बीरबल, ए और बी, दोनों नहीं। तो प्लीज़ आप कन्फ्यूज मत होना, बीरबल नहीं होगा, टोडरमल होगा, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया, अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह ने या फिर जहांगीर ने। तो किसने किया था फ्रेंड्स फतेहपुर सिकरी का निर्माण, किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के बाद।
अगर आपको पता है कि किस सन में, तो प्लीज़ आप टाइप कर सकते हो नीचे। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां मतलब शेरशाह ने, या फिर बाबर ने? तो ये किया था फ्रेंड्स अकबर ने, ठीक है। अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने, तुलसीदास ने, रहीमदास ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अकबरनामा लिखा था किसने भाई, अबुल फजल जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं ने, या फिर अकबर ने? तो इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वो लिख देंगे हुमायूं या फिर लिख देंगे गुलबदन बेगम, लेकिन ये हो जाएगा फ्रेंड्स हाजी बेगम, ठीक है। हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, इनमें से कोई नहीं? तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी फ्रेंड्स आगरा में, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था, छत्रपति शिवाजी, राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं? तो ये था फ्रेंड्स राणा सांगा जी, ठीक है, राणा सांगा थे। तो आज के वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।